आजी कैपिटल हॉस्पिटल भुवनेश्वर रो रोगी कल्याण समिति रो गवर्निंग बॉडी मीटिंग थिला। से गवर्निंग बॉडी मीटिंग रे दुई जन विधायक उपस्थित थिले, मु थिली आउ समस्त सदस्य सदस्यगण उपस्थित थिले। डायरेक्टर कैपिटल हॉस्पिटल तरफ रु प्रस्तुतिकरण हेला आउ आमे विभिन्न प्रकार रो निष्पत्ति आज नेलु। छ मास रे थरे गवर्निंग बॉडी बसे, तीन मास रे एग्जीक्यूटिव बॉडी बसे। एग्जीक्यूटिव बॉडी रो अध्यक्ष होछंती जिल्लापाल। आज जिल्लापाल खुर्दा भी गवर्निंग बॉडी मीटिंग रे उपस्थित थिले। आज बहुत फलप्रद निष्पत्ति निया हेछि। प्रथम जो आमरो ग्रुप डी मेडिकल वर्कर्स यूनियन रो सदस्य अछंती तांको विषय रे आलोचना हेला। तांकरो जे कैंटीन अछि सेटा कार्यक्षम हेई पारुनाही, ऑपरेशनलाइज हेई पारुनाही, सेति पई तांको बहुत असुविधा होछि, प्रतिदिन बहुत असुविधा होछि। आमे याकू नै कि दीटा निष्पत्ति आज नेलु। नुआ कैंटीन बड़ो आकार रे नुआ कैंटीन कैपिटल हॉस्पिटल प्रेमिस भितरे मई 2025 सुधा तैयारी करा जीवो आउ ग्रुप डी मेडिकल वर्कर्स यूनियन को हैंडओवर करा जीवो। वर्तमान जोटा कैंटीन अच्छी ता सामना रे जो जबरदखल अच्छी, सो जो जबरदखलकारी अछंती तांको संगरे डायरेक्टर कैपिटल हॉस्पिटल आलोचना करिवे आउ ए दिगरे तांकु बाहर करा जीवो, उच्छेद करा जीवो। आउ ये जो कैंटीन वर्तमान अच्छी ताकू भी कार्यक्रम करा जीवो। किंतु नुआ कैंटीन होची बड़ निष्पत्ति, आमे मई 2025 पर्यंत नुआ कैंटीन करी तांकू हस्तांतर करिबो। द्वितीय बड़ कथा हेछि जे डायलिसिस पाई बहुत संख्या रे लोक माने एठी आसुछंती। पाखा पाखी 1432 केस प्रति मास एठी आसुची। जेति भी बेड रहीछि प्रत्येक बेड रे प्रतिदिन तीनटा सिटिंग हे पारुची। प्रत्येक बेड रे तीनटा सिटिंग हे पारुची। आज आमे बड़ निष्पत्ति समस्ते नेलु जे जो डायरेक्टर कैपिटल हॉस्पिटल अछंती आ तांकर जे सहकर्मी गण समस्ते मिसी के आलोचना करिवे, एक्शन प्लान करिवे। आ ये जे 3 सिटिंग्स पर डे पर बेड को 4 सिटिंग्स पर डे पर बेड करा जिवो, आमे अधिक अधिक संख्या रे डायलिसिस पेशेंट्स मानंकु सहाय्य जोगई परिबो। तृतीय 7टा काम चलीछि, सिविल वर्क्स आ गोटे सिवरेज काम को मिसे देले 8टा काम, 7टा सिविल वर्क गोटे सिवरेज वर्क 8टा काम जो सब कैपिटल हॉस्पिटल प्रेमिसेस भितरे चलीछि। बहुत दिन हे गलानी कामटा बहुत मंथर गति रे चलीछि। काम वाइज वर्क वाइज आज एनालिसिस करा गला, आज रिव्यू करा गला, समीक्षा करा गला। और आज आमे आज सामूहिक भावरे जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर आरएनबी अछंती तांकु टाइमलाइंस देलु, टारगेट फिक्स करा गला को दिन सुद्धा को काम सरीबो। 8टा काम समय सीमा भितरे सारिबार अछि, समय सीमा निर्धारित करा गला। चतुर्थ निष्पत्ति आमे नेलो जे कैपिटल हॉस्पिटल प्रेमिसेस भितरे मिशन शक्ति कैफे तैयारी हेछि, किंतु मिशन शक्ति कैफे को ऑपरेशनलाइज कार्यक्षम करा ही नहीं। 31/12/2024 सुधा आमर भौनी मानंकर गोटिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को याको हस्तांतर करा जिवो, से माने ही याको ऑपरेट करिवे। एटा बड़ निष्पत्ति हेछि। आउ दीटा बड़ निष्पत्ति, प्रथम जो पंचम निष्पत्ति हैला ट्रॉमा सेंटर, जो ट्रॉमा सेंटर कार्य चली एटा 15/12/2024 सुधा ट्रॉमा सेंटर रो कार्य शेष हो, बिल्डिंग हस्तांतर करा जीवो कैपिटल हॉस्पिटल को। आरएनबी रो दायित्व रही जो ट्रॉमा सेंटर को कार्यक्षम करिवा पाई ऑपरेशनलाइज करिवा पाई जो सबु आनुषंगिक तत्व दरकार से सबु विषय रे समीक्षा करिकी जिल्लापालन को संगरे समीक्षा करिकी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ओडिशा सरकार को सीएमओ डायरेक्टर साहब 7-8 दिन भितरे पठेबे। षष्ठ निष्पत्ति अंतिम निष्पत्ति बहुत गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति, वर्तमान 16टा आईसीयू बेड्स रहिछि, इंटेंसिव केयर यूनिट्स बेड।
आमे याकु 40 आईसीयू बेड्स करिबु आगामी दिनरे संख्या को आमे बढ़ेबु धन्यवाद ठीक है।